हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हरियाणा की ताज़ा मुख्य समाचार की ताज़ा अपडेट में। तो बता दें कि इस वक्त की बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल कर आ रही है, कोरोना वैक्सीन लगवाने के 2 घंटे बाद ही शख्स ने तोड़ा दम, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। तो पानीपत जिले से बेहद बुरी खबर आ रही है, खबर को जानेंगे विस्तार से। तो जी हाँ, इस वीडियो को लगातार शेयर करिए। अगर आप रोज़ाना अपडेट पाना चाहते हैं हरियाणा की, तो भी आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो बता दें कि कोरोना वैक्सीन लगने के महज 2 घंटे बाद ही हट्टे कट्टे व्यक्ति की मौत हो गई। मामला पानीपत के नूरवाला इलाके की हरसी कॉलोनी का है, जहां पर एक 41 वर्षीय बिल्कुल स्वस्थ व्यक्ति ने कोविशील्ड वैक्सीन लगवाई थी, लेकिन 2 घंटे बाद ही उसकी तबीयत बिगड़ गई। हालत ख़राब होने पर उसे सामान अस्पताल लाया गया, जहाँ पर व्यक्ति ने दम तोड़ दिया। इस बात से बेखबर चिकित्सक अब मौत के कारणों का पता लगाने में जुटे हुए हैं। पानीपत के नूरवाला इलाके की हरसिंह कॉलोनी के रहने वाले मोटर मैकेनिक रंजीत सिंह 41 वर्ष ने कभी भी नहीं सोचा होगा कि जिस जानलेवा कोरोना से बचने के लिए वह वैक्सीन लगवाने जा रहा है, वही वैक्सीन उसकी जान ले लेगी। दरअसल रंजीत सिंह 11 बजे कोविशील्ड की वैक्सीन लगवा कर आया, तो करीब दोपहर 1 बजे उसकी तबीयत बिगड़ने लगी, उसे पसीने आने लगे। इस पर घर वालों के हाथ पांव फूल गए। अनफान परिजनों से उपचार के लिए पानीपत के सामान अस्पताल में लेकर पहुंचे, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। रंजीत की मौत से परिजन भी अचरज में हैं, आखिर ये सब कैसे हुआ। तो बेहद दर्दनाक खबर आ रही है हरियाणा के पानीपत जिले से। इस वीडियो में इतनी जानकारी।